तो फ्रेंड आज वीडियो रहेगा सीलिंग के ऊपर। जो ये सीलिंग है घर में भी सबसे ज़्यादा होता है और इसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी पेंट उतर भी जाता है, क्लेपर उतरता है, ये देखिए जैसे पेपर, क्योंकि यहाँ पर सलाब है, गिलापन इसलिए निकलते रहता है। सीलिंग वगैरह छत पर भी कभी देखे हो गए पेंट बहुत जल्दी उतर जाता है। घर सभी घर में पेंटर भाई पेंट तो करते हैं, लेकिन एक नया चीज़ बताऊँगा, वो चीज़ लगाने से बहुत ही बेनिफिट रहेगा, थोड़ा सा कुछ टाइम ज़्यादा निकाल देगा। सभी नीचे नीचे सीलिंग है दीवार के ऊपर, नीचे। तो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा नीचे पपड़ी उतर रही थी पेंट की, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, बहुत ही जल्दी पेंट भी उतर जाता है इसका, और इसलिए मैंने इस बहुत ही रिजल्ट मैंने देखा हूँ, इसका बहुत ही बेनिफिट है। कहीं भी यूज़ करो सबसे पहले नीचे दीवार को अच्छे तरीके से साफ सुफ करके तब यूज़ करना है इसको। देखिए दोस्तों पूरा मसाला निकल गया इसका, बहुत बुरी हालत था इसका। तो मैंने एक ऐसा चीज़ लेकर आया हूँ प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा है, आप यूज़ करो, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और सभी चीज़ को रगड़ के छिल छुल के झाड़ा से साफ करके या ब्रश से साफ करके तब इसको लगाएं। तो फ्रेंड ये बर्जल कंपनी का है होम शील्ड, ये वॉल शील्ड 2K, बहुत ही हार्ड होता है, और इसमें पाउडर है और ये लिक्विड है, मतलब पानी जैसा बना हुआ होगा इसमें, और ये दोनों मिक्स करके कर लगा सकते हो ब्रश से भी, और जैसे वॉल पट्टी लगाते हैं उससे भी लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसको यूज़ करेंगे कितना टाइम, बहुत ही अच्छा लाइफ टाइम भी निकाल सकता है, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, कंपनी वालों ने लॉन्च किया है। तो इसको यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी बताऊँगा। मैंने एक तगारी ले लिया और इसमें पानी डालेंगे। ये फ्रेंड वॉल पट्टी वंगू ही होता है, बिल्कुल सेम तरीका है, और ये लिक्विड मतलब पानी की तरह मिक्स होता है, इसमें बनाएंगे। ज़्यादा पानी मत डालना दोस्तों, ये मैं ब्रश से करूँगा इस पर, सभी पर, सीलिंग पर। आप पत्ती से भी कर सकते हो, ज़्यादा मंगा सकते हो, ये 400 500 600 के बीच बीच प्राइस में मिल जाएगा आपको। ये तो वॉल पट्टी वैसे ही होता है, और इसको मिक्स करेंगे ऐसे, थोड़ा सा अकेला हूँ, थोड़ा सा दिक्कत, ऐसे बनाएंगे इसको। अब इसको भी खोल लेते हैं। तो फ्रेंड लिक्विड ये बिल्कुल दूध की तरह होता है, वाइट वाइट जैसा, पेंट जैसा, और इसको सभी को डालना है। इसमें ढक्कन दिया, इसमें थोड़ा सा निकाल लेता हूँ ढक्कन, ये हाथ को कुछ ख़राबी नहीं करेगा, और चाहो तो ग्लव्स पहन सकते हो। और इसको अप्लाई करेंगे ब्रश से सभी को, उसके बाद प्लेन करेंगे, लगा के छोड़ देंगे ये वाला और सूख जाएगा। तो फ्रेंड ब्रश से इसको हिलाएंगे और बाद में इसको लगा देंगे ब्रश से, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर ले, दोनों को अच्छे तरीके से बिल्कुल। फ्रेंड ब्रश से अप्लाई करेंगे इसको, ऐसे करके ब्रश से लगाना है अच्छे तरीके से, जहाँ जहाँ सीलिंग है यहाँ से इसके ऊपर मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर ठीक है अभी पेंट, नीचे नीचे थोड़ा सा ज़्यादा है। फ्रेंड जहाँ भी आपको दिखे सभी चीज़ को अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ पेंट पपड़ी उधरता है वहाँ पर ब्रश से अप्लाई करना है, बहुत ईजी तरीके से, ज़्यादा परेशान वाला काम भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन इसकी पकड़ सबसे ज़्यादा है। और सबसे पहले डायरेक्ट अगर वॉल पट्टी लगाओगे इस पर पकड़ नहीं करेगा, साथ साथ बाल पट्टी भी उतर जाएगा, और इसके ऊपर मैंने बाल पट्टी लगाया था तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। तो फ्रेंड बिल्कुल सूख चुका है जहाँ जहाँ लगाया था मैंने, और यार मैं सिर्फ दिखा दे थोड़ा सा, देखिए सकराज भी नहीं पड़ता यहाँ पर पेंट में डालू, देखिए सकराज पड़ गया, इतनी पकड़ है ना इसकी, इतनी पकड़ है। और इसके ऊपर आप वॉल पट्टी लगाएंगे, जैसे मैं वॉल पट्टी तैयार कर चुका हूँ, ऐसे तो फ्रेंड सिंगल कोट लगा लें, बाद में डबल कोट लगा लें, इसके ऊपर रेगमा लगा के पेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सूखने के बाद बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, जल्दी उतरेगा नहीं, कुछ टाइम ज़्यादा ही निकाल देगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, नहीं तो बाल पट्टी तो पकड़ ही नहीं करता था, इस पर साथ में साथ निकल जाता था। सभी को लगाएंगे जहाँ जहाँ मैंने सील है, यहाँ पर तो दोस्तों बहुत ज़्यादा था, मसाला ही निकल गया पूरा, इस पर भरेंगे।
फ्रेंड यहाँ पर खड्डा बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर मसाला भी निकल गया था पहले, तो मैंने ये लिक्विड अप्लाई करके वॉल पट्टी लगा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। पर सिंगल कोट वॉल पट्टी का लगा के उसके बाद डबल कोट करूँगा सूखने के बाद।